दुर्बल शरीर को ही रोग सताते हैं। हम जानते हैं कि किसी बीमारी के फैलने के दो कारण होते हैं, एक तो बाहर से कुछ विषैले कीटाणुओं का प्रवेश, दूसरा शरीर की अवस्था विशेष। जब तक शरीर ही ऐसी अवस्था में नहीं पहुंच चुका है कि कीटाणुओं का उसमें प्रवेश सुगम हो जाए, अथवा जब तक शरीर में घुसकर पलते बढ़ते रहे, तब तक संसार के किसी कीटाणु में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह शरीर को कोई रोग पैदा कर सके। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर लाखों कीटाणुओं का सतत आवागमन चलता रहता है, किंतु जब तक शरीर बलवान है उसे उनका पता नहीं चलता। जब शरीर कमजोर हो जाता है तथा ये विषैले कीटाणु उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और उसे रोगी बना देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही राष्ट्रीय जीवन के साथ भी होता है। जब कभी राष्ट्रीय जीवन दुर्बल हो जाता है, तभी सभी प्रकार के रोग जीवाणु उस राष्ट्र के शरीर में घुस जाते हैं और उसके राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक अथवा बौद्धिक जीवन को रुग्ण बना देते हैं। अतः उसकी चिकित्सा के लिए हमें इस बीमारी की जड़ तक पहुंचना चाहिए और रक्त को समस्त अशुद्धताओं से मुक्त करना चाहिए। इसका एकमेव मार्ग यही होगा कि मनुष्य को बलवान बनाए, उसके रक्त को शुद्ध करें और शरीर को पुष्ट करें, ताकि वह समस्त बाह्य विषों का प्रतिरोध कर उन्हें पराजित कर सके। स्वामी विवेकानंद।